वेलोसिटी मिरर्स पे हम बात कर रहे थे, हमने जो बेसिक बात समझी थी, हमने बोला था कि अगर एक मिरर किसी भी वेलोसिटी ऑफ मिरर से चल रहा है और अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है, तो हमने बोला था कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला आया था वो आया था वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिक बात थी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यस और नो? यहां तक की बातें हम कर चुके थे, हमें बहुत क्लैरिटी थी, ये बात हमें समझ में आई थी, यही अभी पड़ा था, थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि इसी मिरर में कि आपका मिरर है और आपका मिरर ऐसे है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे दौड़ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, आपको ऑब्जेक्ट ऐसे दौड़ रहा है 2 सेंटीमीटर से, बताओ इमेज कितने से दौड़ेगी? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। क्या यहां पे वो फॉर्मूला लगा क्या? कौन सा वाला? मिरर तो रेस्ट पे, मिरर तो यहां पे फॉर्मूला लगा कि नहीं लगा? यहां पे फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला हमेशा वैलिड है किसी स्पेशल सिचुएशन में, इसलिए मैंने इस पे वेक्टर नहीं लगाया। पहली बात जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, ये वाली बात, इसमें मैंने वेक्टर का साइन इसलिए लगाया क्योंकि वेक्टर के लिए वैलिड नहीं। असलियत में देखो तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जो उन कंपोनेंट्स के लिए जो कि परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द मिरर है। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू। इफ द वेलोसिटी विल बी पैरेलल टू मिरर, उसमें कोई चेंज नहीं। मान लीजिए मैं आपसे छोटी सी बात और पूछूं, मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा है, ये मेरे को नहीं पता इमेज का क्या हो रहा है, मैं आपसे बोलूं कि आपका मिरर भी ऐसे चलने लगा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से, इमेज की रफ्तार सोच के बोलना क्या दो ही रहेगी? मिरर के पैरेलल चलने से भी कोई फर्क पड़ने वाला? अरे हाँ ना बोल यार, मतलब ये जो फॉर्मूला पड़ा है ये उन वेलोसिटीज के लिए है जो दो आर परपेंडिकुलर टू द मिरर, दो आर, गॉट माय पॉइंट? इसलिए मैंने उसमें वेक्टर साइन नहीं लगाया था, दो आर परपेंडिकुलर टू द मिरर। इफ द वेलोसिटी द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज पैरेलल टू द मिरर इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज, चाहे मिरर भी चला किसी भी रफ्तार से दौड़ रहा है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या मेरी बात चमकी है? तो पहली बात अपनी बात समझ लें कि इसमें भी खेल ये है। तो दो बातें जो मैंने अभी समझाई उसको लिख लें कि दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड यू कैन से द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज पैरेलल टू द मिरर विल नॉट चेंज। अपने शब्दों में लिखो इसको, अपने शब्दों में लिख डालो, बहुत बेसिक सी बात है, शर्माओ मत। अभी करूंगा रुक तो सही, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले जाते हैं, परेशान मत हो, तेरे मन में जितने विचार है सब लाऊंगा मैं। देखा, दिखा दो बोतल में क्या फर्क है, दिखा दो, ग्लूकोन डी। चलो इतना खतरनाक लेक्चर होता है मेरा, तुम्हें हर 5 मिनट ग्लूकोन डी, साला कुछ समझ नहीं आ रहा। कम टू द ट्रैक, मोंटी कंट्रोल योरसेल्फ। क्या तो पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज? तो एक सिंपल सवाल करते हैं, सिंपल तो नहीं, अच्छा सवाल है, अगर आप पढ़ लोगे तो आगे बढ़ जाएंगे, फिर फालतू टाइम पास नहीं करेंगे। देखिए इधर, मान लीजिए आपका मिरर है, मैं आपको बोलता हूँ कि मिरर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, देखिए ध्यान से अच्छे से। मान लीजिए इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है जिस जो ऑब्जेक्ट की रफ्तार 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, पर वो टेढ़ा दौड़ रहा है और टेढ़ा दौड़ने का जो उसका एंगल है वो है 37 डिग्री। कितना है? 37 डिग्री। आपसे सवाल पूछा गया स्पीड ऑफ इमेज, सोच समझ के आंसर दें, आपका आपको आंसर देना है स्पीड ऑफ इमेज, आपको आंसर देना है स्पीड ऑफ इमेज। बोलिए बोलिए, सिंपल, क्या इसका इधर कंपोनेंट 4, इधर कंपोनेंट 3, इधर 4 और इधर 3, क्या हम इस वाले 4 के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं? पर हम जानते हैं कि 3 में कोई चेंज होने वाला नहीं, 3 में कोई चेंज होने वाला, लो भाई साहब, तो 3 तो ऐसे कैसे ही रहा। 4 के लिए फॉर्मूला लगाएं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर दैट इज 2 × 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या -4, यहां पे 4 रखूं 3 रखूं 5 रखूं? पक्की बात? सोच लो, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा था कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, बहुत बढ़िया साहब, तो आंसर आया 0। ओहो, 0 आ गया, तो क्या आंसर सिर्फ 3 बचा? कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। मैं डेटा सोच के लेता, सोच अगर ये कोई वैल्यू आ जाती, अगर ये कोई वैल्यू तो अपन वो वैल्यू आंसर देते, 3 देते या रूट करके निकालते? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। पक्की बात? और कराऊं बात समझ में आ गई? एकदम पक्का? परेशान होने की कोई जरूरत? वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है? परपेंडिकुलर। कौन सा चेंज नहीं होता है? हम इधर बात करता हूं, अभी करना नहीं है, पर चूंकि आप समय के साथ मैकेनिक्स पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? मैकेनिक्स। तो ऐसे नहीं प्लेन मिरर के साथ सवाल नहीं आ सकते, बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे बताता हूँ, जब आपको कोलिजन पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा? मान लीजिए नया सवाल, अभी कर नहीं रहे अपन, सिर्फ समझे कॉन्सेप्ट तो डिलीवर हो ही चुका। अगर अपन बात करें तो
वास्तविकता में जेई एडवांस, क्या चीज? जेई एडवांस के पेपर की खास बात क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेई मेन, नीट और एडवांस? ध्यान देखो तो तीनों का सिलेबस सेम है, नीट, जेई मेन और advanced. अगर बेसिक अंतर में आपको समझाऊं चैप्टर वाइज किसी भी उसका, तो आप अंदर समझता हूं. नीट में 45 सवालों में से 42 से 43 सवाल ऐसे आते हैं जो सिंगल चैप्टर से आते हैं. सिंगल चैप्टर मतलब ये ऑप्टिक्स का सवाल, तो ऑप्टिक्स ही है बस उसमें. उसमें कहीं मैकेनिक्स घुसी हुई नहीं, कहीं लेटर स्टडी घुसी हुई नहीं. 45 में से 42 ऐसे, और सिंपल कैलकुलेशन. जेई मेन में 30 में से 25 सवाल ऐसे आते हैं. कितने? 5 ऐसे आते हैं जो मिक्सचर आते हैं. जेई एडवांस की बात करें तो 40 सवाल अभी के तारीख में चल रहे हैं, 40, 36, 42, वो पैटर्न चेंज करते रहते हैं. उस 40 में से 30 से 32 सवाल ऐसे आते हैं जो मिक्सचर होते हैं. क्या होते हैं? जो एक चैप्टर में से नहीं आएंगे. क्या मेरी बात क्लियर है? इसलिए आपको हमेशा, ये एक चैप्टर नहीं है सिर्फ, वो पूरी फिजिक्स से सवाल पूछो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑप्टिक्स का सवाल है, किसमें मैकेनिक्स घुसी हुई है, किसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स घुस गई, किसमें एसएचएम घुस रहा है, किसमें रोटेशन प्योर रोलिंग घुस गई है, वो सब कुछ घुमाएंगे आपको. गॉट माय पॉइंट? इसे रिटी में बाद में मिक्सर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर आप बात को समझे कि जे एडवांस में मैक्सिमम सवाल वो आते हैं जो, इसलिए आपको धीरे धीरे उसकी हैबिट बनानी पड़ेगी. वो हम बनवा देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट अपन समय के साथ समझे. जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, अभी आपने मैकेनिक्स पढ़ी इसलिए मैं उसमें ज्यादा घुस नहीं रहा, पर सोचो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो मान लीजिए मैं एक ब्लॉक ले लूं 2 किलो का, 2 किलो के ब्लॉक पे एक चार, एक और 4 किलो का ब्लॉक ले लूं, मैं कह दूं 4 केजी के ब्लॉक पे एक प्लेन मिरर लगा दिया है, मान लीजिए इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है. अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये भी पहले 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्या दोनों टकराएंगे? ये दोनों टकराएंगे कि टकराएंगे? टकराएंगे तो कोलिजन होगा. यादगार कोलिजन टाइप का होता था, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक. याद करो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई होती थी, मे बी 1 नहीं दी हुई, मैं तो कह रहा हूं कुछ भी दे रखी. हाँ बोलो, क्लियर है? मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि भाई साहब टकराने के बाद बताइए इसकी रफ्तार मिरर की में इमेज की क्या होगी, तो वास्तविकता में मैकेनिक्स का सवाल है, टकराने के बाद इसकी क्या रफ्तार होगी और इसकी क्या रफ्तार होगी, क्या ये मोमेंटम कंजर्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस की इक्वेशन से आएगा? जो कि आप सेंटर ऑफ मास में पढ़ोगे, जिसका फॉर्मूला निकल के आएगा v1=m1v1+m2e2-u1/m2e2+m1e1-u1-m1+m2. कौन सा फॉर्मूला हमने जीवन में नहीं सुना सर ये? अरे यार आपको रटाया जाएगा जैसे मुझे याद था. क्या मैं भी उसे डरा नहीं रहा, परेशान मत हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है पूरी मैकेनिक्स में कहीं पे भी जोड़ा जा सकता है, कहीं पे भी, एट एनी प्लेस. तो जैसे जैसे चैप्टर खत्म होंगे आपको समझ में आना चाहिए कि इसके साथ अगर ऑप्टिक्स का सवाल जोड़ा जाए तो मुझे आना चाहिए. गॉट माय पॉइंट? मैं डरा नहीं रहा आपको. मान लीजिए आपको एनएलएम पढ़ेंगे, अपन एनएलएम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक लगा होगा, यहाँ पे ब्लॉक लगा होगा, इसका मास 2 किलो, इसका मास 4 किलो, यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दो, क्या ये ऑब्जेक्ट हो गया? मैं देख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को भी, इसको भी किसी पुली से जोड़ दो ऐसे करके, और फिर यहाँ पे पुली लगा के ऐसे ब्लॉक लटका लो और इसको हवा में लटका लो, मैं तो कह रहा हूँ इसमें बाल्टी रख के पानी भर दो, बाय एनसी भी लगने लग गई. अरे यार उसमें प्लेन मिरर ज्यादा नहीं है, उसमें मैकेनिक्स ज्यादा है. क्या ज्यादा है? अगर इसे आप स्टैंडर्ड सवाल करोगे तो आपको समझ में भी आएगा. मान लीजिए पार्टिकल है, इसके सामने एक जो अपना पार्टिकल है वो एसएचएम करने लगे. कभी सुना होगा एसएचएम ए साइन ओमेगा टी? सुना है कि सुना यार? सुना होगा एसएचएम में वेलोसिटी होती है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हो सकता है वो मिरर को एसएचएम करा ले, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट को एसएचएम करा ले, और उसमें मिरर थोड़ी ज्यादा है भाई, उसमें एसएचएम चैप्टर घुसा. कौन सा घुसा? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है अभी आप ऑप्टिक्स के सवाल करो तो कुछ कुछ सवाल आपको ऐसे मिले, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है. जैसे जैसे चैप्टर खत्म होंगे आपके अच्छे होंगे, आपको वो होते, पर इसका मतलब ये नहीं कि जब भी हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो उनके सवाल नहीं देंगे, थोड़े थोड़े देंगे ताकि अपन उनको जानते रहे. क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिए. अनंत सवाल में मैकेनिक्स के साथ जोड़ सकता हूँ, कार चला लो, स्कूटर चला लो, पुली ब्लॉक सिस्टम लगा लो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा लो. क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि एक स्प्रिंग ले लें, स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगा लें, यहाँ से ब्लॉक के साथ सिस्टम करता है उसमें मिरर लगा लें? बोलिए सर नो. तो देख रहा हूँ मेरे को सवाल टफ करना है, मैंने एक और स्प्रिंग यहाँ पे लगा ली, इसको भी सिस्टम करा लिया, ये भी सिस्टम कर रहा है, ये भी सिस्टम करके बहुत टफ सवाल हो गया. इमेज की रफ्तार पूछ लूँ, कौन सी खास बात है? अरे यार घुसा के नहीं घुसा. तो मिरर का कॉन्सेप्ट इतना ही है, पर इसके साथ मैकेनिक्स अनंत जोड़ी जा सकती है, ये अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए. अभी तो मैंने आपको एक स्टेप सिखाई, आप सोच के देखो जब मैं आपको ये, अभी तो आप प्लेन मिरर पढ़ रहे हो, कौन सा पढ़ रहे हो? बिल्कुल ये सब सवाल स्फेरिकल मिरर के साथ भी करे जा सकते हैं, करा नहीं रहा हूं, परेशान मत हो. स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर उसके लिए फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू मिरर इक्वल टू -v² / u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मिरर. मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो उसके लिए. बोलो क्लियर है एकदम? फिर इसके साथ जोड़ा जा सकता है. मान लीजिए मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन पे बात करनी है, मैंने अपनी बंदूक ले ली, बंदूक पे ऐसे ले लिया, बोलो यहाँ पे अपन ने मिरर लगा लिया, बुलेट फायर करी, याद करके बुलेट फायर करते तो क्या झटका पीछे लगता है? तो क्या बंदूक पीछे भागती है? इस पूरे सवाल में क्या मोमेंटम कंजर्वेशन रहता है? डरो मत, सब पढ़ाया जाएगा. मैं सिर्फ इसलिए पहले बता रहा हूँ कि ये सब आ सकता है, इससे अगर अभी आ जाए और आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डरने की आवश्यकता बस.
इतना कहना चाह रहा हूं मैं। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, आगे वाले वाले सवालों में कई जगह जुड़ सकता है। यानी कि मेरे को समझ में आना चाहिए और आप भी जानते हो, प्रैक्टिकली सोच, इतना आसान सवाल जी एडवांस में आने वाला नहीं है। ठीक है, बेसिक है, ये मैं आपको सिखाना है, बट आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ऐसा सवाल नहीं आएगा जेई में, ये लो एक मीटर पर सेकंड, ये दो मीटर पर सेकंड, बताओ वेव की रफ्तार क्या होगी। जेई मेन में आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, पर जेई एडवांस में ऐसे सवाल आने की कोई चांसेस आएंगे तो इस तरीके से मिल के आएंगे। इसके लिए हमें वो दूसरे चैप्टर भी आने, जब अपन समय के साथ सीखेंगे, उसके डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, प्लेन मिरर पे अपन वापस से चर्चा करते हैं। प्लेन मिरर पे हम क्या क्या सीख चुके, हमने कहानी चालू करी थी ऑप्टिक्स से, कहां चालू करी थी, बल्कि हमने चालू करी थी वेव से। वापस एक बार रिवाइव करते हैं। अगर हम बात करें, तू बेटा नया है क्या आज? नया है बेटा, ऐसे रखने के ना 10 रुपए फाइन है। क्या करते, हाँ, तो अपने बात करती वेव से। वेव भाषा एक ऐसा माध्यम है जो एनर्जी लाता है। फिर अपने बोला मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल में भी दो, उसके भी दो हिस्से, अपने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, क्या वो ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव होती है? उसमें बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो वाला हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, क्या हम उसे लाइट कहते हैं? ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ वो लाइट का हिस्सा है। लाइट जो अपन पढ़ते हैं उसके बारे में, उसके दो हिस्से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अपन जो है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मेनली पढ़ते हैं। अपन ने शुरुआत करी रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, एंगल आई बराबर एंगल आर, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। फिर हमने उसमें सबसे पहले हिस्सा पढ़ा प्लेन मिरर। क्या पढ़ा? प्लेन मिरर में हमने सबसे पहले इसी पढ़ी भाई, हमने बात करा इमेज प्लॉटिंग। क्या पढ़ी? हमने बोला कि ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर एक्सटेंडेड ऑन द बैक साइड ऑन द सेक्शन लाइन इमेज विल लाई एंड फॉर द एग्जैक्ट लोकेशन यूज द कांसेप्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। जितनी रफ्तार से मैं बोल रहा हूं उतनी रफ्तार से आपको पकड़ में आना चाहिए, और समय के साथ उतनी रफ्तार से आप भी बोलने में सक्षम होने चाहिए। आपको स्पीड भी सीखनी है मेरे साथ, गॉट माय पॉइंट? टेंशन समझ में आता है जो मैं बोलता हूँ? धीरे धीरे मैं आपके मानसिक रूप की आपकी जो स्पीड है वो बढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करो। बिल्कुल उससे भी रफ्तार में मैं बोल सकता हूँ और आपको उससे रफ्तार में समझ में आएगा, मेरी जिम्मेदारी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो अपने इमेज प्लॉटिंग सीखी, फिर अपन ने सीखी फील्ड ऑफ व्यू। क्या सीखी? फील्ड ऑफ व्यू में ज्योमेट्री वाले सवाल करें, फील्ड ऑफ व्यू को अपने आगे बढ़ाया। तो अपन ने बात करा कि भाई साहब कितना मिनिमम लेंथ और पोजीशन ऑफ द मिरर चाहिए कि अपने को पूरी इमेज नजर आए। फिर उसके अगले सवाल में अपने पढ़ा कि भाई साहब अगर आपको पोजीशन और लेंथ दे रखी है तो आपको क्या क्या दिखेगा, जिसकी एक शॉर्ट ट्रिक आई थी कि भाई साहब काम के मिरर का डबल, काम के मिरर का, काम का मिरर कहां से कहां तक? एच बाई टू से एच, रिविजन करा रहा हूँ, याद हो जाएगा सब कुछ। एच बाई टू से काम के मिरर की बात अपने यहां तक करी थी, यहां तक अपनी बात क्लियरिटी हो गई थी, इस पर अपने सवाल करते। फिर अपने पढ़ा था एंगल ऑफ डेविएशन। क्या पढ़ा था? याद कर, दो मिरर के दो रिफ्लेक्शन की एक शॉर्ट ट्रिक थी। क्या थी? क्या थी? क्या थी? टू थीटा। सेंस ऑफ रोटेशन कैसे डिसाइड करते हो? क्या फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर? फर्स्ट मिरर कौन होता था? करेक्ट। क्या अपन बात सीख चुके थे? Yes, और मान लो अगर हमसे कुछ कंफ्यूजन हो जाए तो क्या हमें बेसिक आता है? Yes, हमें बेसिक आता है। उसके बाद हमने रोटेशन और मिरर बढ़ाकर मिरर को घुमाओगे थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी। कितने से घूमेगी? कोई परेशानी वाली बात नहीं। फिर मैंने आपको उसे ओमेगा ओमेगा वाले सवाल कराए, ये कराया वो कराया। फिर मैंने आपको इमेजेस बनाई पैरेलल प्लेन मिरर्स में। किसमें बनाई? कैनन इमेज बनती है। और याद करके स्पेशल सवाल कराया था जिसमें क्या दो ही बनी थी। अगर इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में मिरर ना आए तो इमेज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे, ये जरूरी। वहां तक अपने बातें कर चुके थे। फिर अपन ने बात करी थी कौन सी, वेलोसिटी। कौन सी करी थी? अब थोड़ा और अच्छा सेगमेंट पढ़ते हैं इसमें, एक आध सेगमेंट और बाकी प्लेन मिरर में, बाकी की पूरी पीएचडी अपन ने कर डाली। एक और सेगमेंट जो अपन करते हैं, याद कर जब मैंने आपको बोला कि दो पैरेलल प्लेन मिरर से तो इमेज कितनी बनी थी, अनंत कितनी बनी थी? हैड इन नाले इमेजेस बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, इमेजेस बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, इमेजेस बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। इमेजेस बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, चाय पियेंगे आप लोग? कलर चौक कम लाता है एक तो, ये इसको बोलना पड़ेगा। आइए मान लीजिए कि आपका ऐसे दो मिरर है, इसको समझते हैं। पहले समझना, थोड़ी सी अच्छी बात बता रहा हूं फिर फील करा दूंगा और तरीका भी सिखा दूंगा, पर फील करें अपन। मान लीजिए कि आपका मिरर है ऐसे 90 डिग्री पे, कितने पे? 90 डिग्री पे आपका मिरर है ऐसे, इसको इधर और इधर एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, यार सारे कलर की चॉक्स और लेके आओ, दो दो सारे कलर की लेके आना। यार देख ऐसे 90 डिग्री मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिमेट्रिकली यहाँ रखा हुआ है। सिमेट्रिकली मतलब एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये दूरी ए और ये दूरी ए। मैं इस पे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बन रही है। बेसिक से चलते हैं, मान लीजिए नीचे वाले मिरर को देखें तो इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज के नीचे ए पर बनेगी।
कितने पे बनेगी? ए पर। ये ए तो ये भी ए, परफेक्ट चल रहा है सब कुछ, इमेज बनी। इस इमेज के बनने के कारणों को देखते हैं। इस इमेज को बनाने के लिए एक रे, दो रे, अनंत रे, अनंत रे। मान लीजिए मैं उस रे की बात करता हूँ, उन रेस की बात करता हूँ जो इस पोर्शन से, इस परपेंडिकुलर से इधर है। समझना, दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। मान लीजिए मैं उन रेस की बात कर रहा हूँ जो इस पोर्शन से इधर गिर रही है, जो इधर गिर रही है वो ऐसे गई, टकराई और ऐसे चली गई। मुझे बताओ क्या ये रे कभी भी इस मिरर से टकराएंगे? जितनी भी रेज इस मिरर से इधर है, इस मिरर से इधर है वो सारी रे इधर टकरा कर इधर चली जाएंगी और वो कभी भी दोबारा इस पे नहीं। बोलो क्लियर एकदम। पर उन रेस का क्या हुआ, उन रेस का क्या हुआ जो इधर आई? ऐसे ऐसे ऐसे। क्या इधर वाली रे इधर से आती हुई लगी? क्या इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गई? नहीं आया। इस मिरर के लिए क्या हो गई? तो इस इमेज का, ये इमेज इस वाले मिरर के लिए क्या हो गई? तो इमेज कहां बनी? क्या मैं सही बना रहा हूं? अरे यार हाँ ना बोल, यहां पे बनेगी। बहुत बढ़िया सर, ये ठीक। तो ये इमेज अगर यहां बनी तो रे आती हुई ऐसे लगी, टकरा के ऐसे। गॉट माई पॉइंट? ठीक। सो जितनी रे यहां गिरी वो टकराई, टकराकर ऐसे गई। अब ये वापस रे कभी भी किसी भी मिरर पे गिर, तो इस पूरे मिरर पे गिरने वाली सभी रेस का विश्लेषण क्या अपन ने कर लिया है? जो इधर गिरी वो एक ही बार टकरा के काम की थी, जो इधर गिरी क्या वो दो बार टकरा के काम की थी? अब उन रेस की बात करते हैं, जो रेस इस वाले मिरर के लिए थी। इस वाले मिरर के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या इमेज? तो क्या इमेज यहां पर है? बेकार रेस्पॉन्स। अब ऐसे रह गई, ऐसे टकराई, ऐसे चली गई। ये वो रेज हैं जो इस हिस्से से ऊपर हैं। वो सिर्फ एक बार ही टकराई और टकराकर कोई बुराई नहीं। अब देख नीचे वाली पिंक, देखो खुपाच इधर से टकरा के आती है, खुपाच 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 खुपाच। क्या ये वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ध्यान से समझना क्योंकि बनाने के बाद नहीं समझा पाऊंगा इसको, ये बनाते वक्त ही समझ आ सकता है। तो ये वाली इमेज अब इस वाले मिरर के लिए क्या हो गई? बेकार रेस्पॉन्स। तो ये दूरी अगर ए, ये भी ए, तो ये दूरी ए, तो क्या ये भी ए? तो आपको नहीं लगता पहली वाली जगह? अरे यार हाँ ना बोल, पहली वाली जगह तो रेस है। ये वाली इमेज कितने कारणों से बनी? दो। पक्की बात? कितने रिफ्लेक्शन से बनी? दो। हाँ कॉन्साइड कर गई वो एक अलग बात है, पर इसके बनने के कारण दो थे और रिफ्लेक्शन भी दो। क्या इसका रिफ्लेक्शन एक है, इसका रिफ्लेक्शन एक है? मुझे बताइए अगर मिरर 90 डिग्री पर हो तो कितनी इमेज बनी? तीन। चार नहीं, चौथा तो ऑब्जेक्ट है बेटा। चौथा क्या है? ऑब्जेक्ट। इमेज कितनी बनी? तीन। हाँ तीसरी इमेज बनने के कारण दो, वो अलग बात है, पर बनी तो तीन ही। बनी तो तीन ही। बहुत बढ़िया साहब, तो एक दो और तीन, एक दो और तीन। बहुत बढ़िया साहब, तो एक दो और तीन बन गई, बहुत सुंदर। अच्छा एक दो तीन बन गई, क्लैरिटी है। क्या मैंने सारी की सारी रेस कंसिडर? पहली बात आप इसे बहुत फील के साथ समझे, इमेज तीन बनी। कितनी बनी? तीन। बस तू एक बात समझ कि अगर 90 डिग्री पर मिरर है और तीन इमेज बनी, अगर रे डायग्राम से खेला जाए तो सोच 90 डिग्री पे कितना खतरनाक डायग्राम है। सोच अगर ये एंगल में 30 डिग्री कर दूं ना, कितना तेरे प्राण निकल जाएंगे रे के साथ खेलते खेलते। ये 90 डिग्री में इतना खतरनाक डायग्राम है, इसे सिर्फ ये फील करने के लिए समझा है। हमें कुछ और प्रोसेस भी समझ में आना, पर ये अभी फील है। क्या थोड़ी थोड़ी फील आई है? ड्रॉ इट।
क्या ड्रॉ करें इसमें, नहीं क्या ड्रॉ करें इसमें, बनाइए, प्रयास करिए। उतार लिया तुम लोगों ने, अब सुनो। सो जाहिर सी बात है, हम बार बार इतनी सारी रेस बना, ये तो फील वाली बात है। अब कॉमन सेंस से अपन बात को समझें। मान लीजिए मैं आपसे इसी सवाल में पूछूं, पहली बात कि इससे एक दो तीन सवाल पूछता हूं, समझे अच्छे से। मान लीजिए कि आपका मिरर ऐसे है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, पर अब जो मिरर अभी भी 90 डिग्री पे सवाल पूछ रहा हूं, फिर अगले एंगल पे ले जाऊंगा, पहले समझे। मान लीजिए कि ये आपके 90 डिग्री पे मिरर है, और मैं आपसे बोलूं कि ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली रखा है, ये ए ये बी, सिमेट्रिकली नहीं रखा, कैसे रखा है बताओ, कितनी इमेज बनेगी? मेरा सवाल सबको समझ आया? Yes, सवाल सबको समझ आया नहीं आया? Yes, मैं कह रहा हूं ये बी, ये ए ये बी अनसिमेट्रिक है, कैसे है? अनसिमेट्रिक है। अब बताओ ये कैसे बनेगी, इमेज कितनी बनेगी? दो तीन चार पांच, ऑप्शन है दो तीन चार पांच, ऑप्शन है दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच, बोलिए। अनीता के साथ कितने लोग हैं? अनीता, अनीता, लड़कियों अनिल, बसंती, चंपा, डॉली, डॉली के साथ है। कई लोग तो पाकिस्तान में भावुक हो जाते हैं, जिसे पसंद करते हैं उसका नाम डॉली है, तो पूरे साल डी पे टिक लगाएंगे, प्यार पहले पढ़ाई वढ़ाई का क्या है? खैर, क्या आंसर है? बसंती। क्या आंसर है? यशक है, सिंपल, कोई खास बात नहीं। एक्चुअली ये भी कॉन्साइड करेगी, सुन कैसे, पहले सिंपली समझते हैं। क्या ये वाली इमेज यहां पर बनी? पहली आई वन। जब ये बनती है तो अपन ने प्रोसेस में समझा है कि ये वाली इमेज इस वाले मिरर के लिए क्या हो जाती है। तो अगर ये दूरी ए है और ये बी है, तो ये भी क्या है? बी, और ये भी क्या है? ए। क्या इमेज बन गई? इन द सेम वे, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए मिरर अगर है, तो ये दूरी कितनी? बी, और ये दूरी कितनी? ए, ये आई टू इमेज। क्या ये आई टू इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाती? तो ये दूरी कितनी? ए, ये कितनी? ए, ये कितनी? आपको नहीं लगता पहले वाले से कॉन्साइड कर गई? ऐसा लगता है कि वो कॉन्साइड नहीं करेगी जिन्होंने चार आंसर दिया है, और जिन्होंने पांच दिया उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जिन्होंने चार दिया उन्हीं की गलती मैं पकड़ पा रहा हूं, बाकी दो और पांच की गलती भगवान ही बता पाएगा। वैसे पांच के लिए क्या सोचा तूने? मैं अगली अभी मैंने कुछ सिखाया क्या? नहीं ना, वो अगर मेरे इतना आसान होता तो मैं सिखा देता ना। कितनी इमेज बनी? कितनी बनी? इसको धीरे से पढ़ा रहा हूं क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा पढ़ने में टफ लगता है, इसलिए है ना, थोड़ा अच्छे समझ लो। कितनी इमेज बनी? तीन। मैं एक और सवाल पूछता हूँ, एक और सवाल पूछता हूँ, इससे ध्यान समझो। मान लीजिए कि ऐसे ये आपका मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ए दूरी पर, ठीक, मिरर ऐसे है, ध्यान समझे, मिरर 90 डिग्री पर ही है मिरर, पर ऐसे। अगर तूने मेरी बात ध्यान से सुनी तो आंसर दे पाएगा। ये मिरर है 90 डिग्री पे, फिर से वही ऑप्शन, नंबर ऑफ इमेज दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच, पक्की बात? Yes, सोच लो। Yes, दो की तीन? दो, दो की तीन? दो, दो क्यों बोले? दो तुम इसलिए बोले क्योंकि तुम्हें पिछले टर्न वाली बात समझ आई थी। Yes, तीसरी क्यों नहीं बनी? क्या इसमें पहली इमेज यहां बनी? आई yes, वन। क्या दूसरी इमेज यहां बनी? Yes, कोई भी रे ऐसी नहीं है जो क्या इस मिरर से टकरा कर इस मिरर पे टकराए। Yes, वो ऐसा तब हो रहा था जब क्या मिरर इधर भी था। Yes, पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मिरर इधर, हालांकि ऐसे सवाल कम आते हैं, मैक्सिमम 99% टाइम यही आते हैं, पर अगर अच्छी वैरायटी का सवाल आ जाए एडवांस लेवल का तो ऐसा आ सकता है। बोलिए yes, yes, तो फिर इसे वही कर पाएगा जिसको बेसिक से ज्ञान हो, जो फॉर्मूले लगाएगा वो सवाल कर,
वही कर पाएगा जिसको बेसिक से ज्ञान हो, जिसे पता होगी रेस कैसे काम करती है। प्रदा जो मैं बोला चमका, बोल कितनी मेज, दो की तीन, दो। तीसरी क्यों नहीं बनी बोलो क्लियर है, क्योंकि एक भी रे ऐसी नहीं जो इधर टकरा के इधर टकरा, क्योंकि यहां मिरर ही नहीं है, क्योंकि यहां पर जिस जगह मिरर होना चाहिए था ताकि ये वाली इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे, वो वाला मिरर का पोर्शन क्या ये था? Yes, पर ये वाला पोर्शन वहां पर नहीं। ऐसे ये वाला पोर्शन भी वहां पर नहीं। तो इमेज कितनी बनी? दो। इस सवाल का आंसर वही दे सकता है जो बेसिक से गया हो। किससे गया हो? बेसिक से। नंबर ऑफ इमेजेस, हालांकि मैक्सिमम टाइम आपके लिए यही आता है, अपन उसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू टू, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू टू। खैर जी, एक बात तो हमें समझ में आई कि अगर मिरर 90 डिग्री है, अगर मिरर 90 डिग्री है, वो तो मैंने एक स्पेशल केस लिया था, उसे एक सवाल के रूप में ही ले उसको, उसके लिए वैसा अगर कभी बोला टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड 90 डिग्री, जब तक ऐसा डायग्राम ना बनाया हो ऐसा मानना नहीं है, नॉर्मल केसेस में यही। वो तो मैंने एक अच्छा सवाल कराया आप, ठीक। खैर आइए, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि यार 90 डिग्री पर अगर मिरर हो तो चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली रखा हो, क्या इमेज तीन ही बनेगी? yes, इमेज कितनी बनेगी? कितनी बनेगी? तीन। चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट, इमेज कितनी बनेगी? तीन। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पक्की बात? yes, तो इमेज तीन ही बनेगी, ठीक भाई। ये बात समझ आई। अब सोच, मैं वही बोल रहा हूं, सोचो अगर ये मिरर 60 डिग्री पे होता, किस पे होता, तो क्या डायग्राम बहुत खतरनाक बनता? हो सकता है इमेज 4-5-6 बनती। उन्हें समझने के लिए हम कुछ बात समझे, कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा। सुबजे पहले इस 90 डिग्री से हम समझ लेंगे उसको, सुन फिर अप्लाई करेंगे। यार मैंने बहुत ध्यान से देखा, मैंने एक बात देखी कि साला जो है, अगर इमेज दो मिरर से बन रही है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फील करते हैं वो कहां से आया, डायरेक्ट रटने की बजाय। मैं एक बात समझता हूं कि अगर एक मिरर है, उसके यहां ऑब्जेक्ट है, मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, उसकी इमेज यहां बनी, मुझे एक बात समझ आती है कि अगर मैं इस मिरर पर कोई पॉइंट ले लूं तो उस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी बराबर होती है। yes, फिर से समझना, इफ सपोज आई टेक अ पॉइंट ऑन अ मिरर, देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दैट पॉइंट इज सेम। बोलो क्लियर? ये बात क्लैरिटी समझ आई। अब हमने बोला कि अगर आपके पास दो मिरर है, ऐसे ध्यान समझना, हमने बोला कि आपके पास अगर दो मिरर है, ऐसे इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जो भी इमेज बनेंगी वो या तो इस मिरर से बनेंगी या फिर और तो किसी से बन नहीं सकती। इन दोनों मिरर्स का कॉमन पॉइंट क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट। बेकार रेस्पॉन्स। यानी कि इस मिरर से जो भी इमेज बनेंगी, इस मिरर से, उस इमेज की इस पॉइंट से दूरी वो ही होगी जो क्या ऑब्जेक्ट की होगी। बेकार रेस्पॉन्स। ऐसे ही इस मिरर से जो भी इमेज बनेगी, उन सभी की दूरी इस पॉइंट से क्या वो ही होगी जो ऑब्जेक्ट की हो। यानी कि इस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, वो ही दूरी क्या सारी इमेजेस की भी इस पॉइंट से होगी। किसी एक पॉइंट से बहुत सारी चीजों की दूरी अगर फिक्स्ड है, तो आपको नहीं लगता वो एक सर्कल है? क्या है? यानी कि और ज्योमेट्री एक बात कहती है कि जितनी भी इमेजेस बने इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स में, वो सभी एक सर्कल पर लाई करनी। यहां दिख भी रहा है, देख देख ध्यान से, आपको नहीं लगता ये सभी चीजें एक सर्कल पे लाई कर रही? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया। चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, बोलो क्लियर है? yes, तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया जिसे हम कहते हैं सर्कल कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? सर्कल कॉन्सेप्ट हमें समझ आया। ज्योमेट्री ने कहा और बड़ी एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आनी चाहिए। सर्कल कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल द इमेजेस, डायग्राम ऐसे बनाऊंगा मैं, बता रहा हूं पहले समझ लें। सर्कल कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल द फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, फॉर्म बाई कोई भी एंगल है मुझे नहीं पता, अगर इससे यहां ऑब्जेक्ट रखा है, कैसे भी रखा हो, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, कैसे भी रखा हो,
पर ये बात तय है कितनी इमेज बनेगी, वो बात की बात, पर क्या ये बात तय है कि ऑल द इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल? हूज सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर्स एंड क्या रेडियस इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट? यस और नो? पहले तो क्या इस कॉन्सेप्ट का प्रूफ और फील समझ आई? अब बस याद होना चाहिए. याद क्या होना चाहिए कि ऑल द इमेजेस फाउंड बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स लाई ऑन अ हूज सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर्स एंड क्या रेडियस इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट? कितनी बनेगी बाद में सीखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझे. सर्कल कॉन्सेप्ट दिमाग में उतरा? पक्की बात? उतार में लिखवा भी देता हूं, उतार में लिखवा भी देता हूं, फिर आगे बढ़ते. सर्कल कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ऑल द इमेजेस all the images will lie on a circle whose center is the intersection point of the mirrors. whose center is the intersection point of the mirrors and radius equals to distance of object from the intersection point. And radius equals to distance of object from the intersection points. अब ध्यान समझे. मैं आपको ना एक सवाल के थ्रू बातें समझाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं अपन समझ पाते नहीं समझ पाते. फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दे दूंगा. मुझे एक बात समझ आती है कि इमेज सारे सर्कल पे लाई कर रही है, बात पिक्चर क्लियर है. मुझे ये भी समझ में आती है जो पहले मिरर से इमेज बनती है दूसरे के लिए क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट. और अगर एंगल कम होगा तो हो सकता है ऐसा और मल्टीपल टाइम्स हो, क्योंकि रे डायग्राम से मैं उसे नहीं समझ सकता, क्योंकि 90 डिग्री में इतना खतरनाक है. अगर कोई और एंगल ले लूंगा तो क्या और खतरनाक हो जाए? तो हम अपने कंसेप्चुअल तरीके से चलते हैं. फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान समझे. मान लीजिए अपने एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दूं कि बिल्कुल ठीक ठाक बीच का लेते हैं, बीच का सुनते ही कई लोग भावुक हो जाते हैं. ये है ना, देखो मान लेते हैं कि अपना एक लो ये ब्लू कलर का मिरर, एंगल 60 डिग्री लेते हैं, चलो है ना, ये लो. तो डायग्राम अच्छे से बनाता हूं, जल्दबाजी मत करो, फिर समझ लो, फिर शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको सिखाई दूंगा. शॉर्ट ट्रिक क्या होगी अकल वालों के लिए, देख मान लीजिए ये अपना 60 डिग्री, 60 डिग्री लग रहा है क्या? हाँ, 60 डिग्री लगभग लगभग, बोलो क्लियर. ऐसे में 60 डिग्री बोलो. अगर बिल्कुल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट लें तो 30-30 डिग्री पे रखेंगे, 30-30 पे लूँ तो थोड़ा आसान होगा, 20-40 पे लूँ तो थोड़ा सा टफ होगा. रहने दो, तेरी की इच्छा है कैशियर? 20-40 कैशियर की इच्छा का सम्मान करते हैं. ये 20 और ये 40, चलिए फील करते हैं थोड़ी सी बात, थोड़ी अक्कल लगानी पड़ेगी, प्लीज समझे. ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज क्या यहां पे बन जाएगी? अच्छा ये भी तय बन जाएगी. लो साहब ब्लू वाले की ब्लू से बनाते हैं, कितने एंगल पे? इसमें तो सोच रहे ही नहीं, पहली इमेज बन गई. ठीक भाई साहब, ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट, क्या ये एंगल 40 है तो इधर 40? ये 30 है के 10 यहां कहीं? अरे नहीं आया, तो येलो डटी फैलो. देखिए यहां मन या I2 में वन रिफ्लेक्शन का मतलब एक एक रिफ्लेक्शन से, या I1 वन रिफ्लेक्शन, बोलो क्लियर. एस ये बनी और हमें समझ में आ रहा है कि ये एंगल 40 डिग्री है. अब हम हमारी पुरानी ज्ञान और अभी जो हमने सीखा उससे हम समझते हैं कि इस मिरर की पहली इमेज इस मिरर की दूसरी इमेज बनने का कारण. अरे यार नहीं आया,
इसकी पहली वाली उसकी वाली। उसकी दूसरी वाली उसकी। बोलो क्लियर है ना? यहां तक अपने पिक्चर क्लियर थी, अपन उसी को आगे बढ़ाते। अपन ने ऐसे ले लिया, ठीक भाई। तो ध्यान सुनना, तुमने चूज करा 20 और 40। अब देख ये पहली और मिरर येलो, ये रहा ये, क्लियर। अब सोचो इस येलो मिरर से के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये कितना एंगल बना रही है? 60 प्लस 20 कितना? 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 तो इधर भी कितना? 80। तो 40 प्लस, इधर कहीं 80, तो ऐसे कहीं येलो वाले से ये एंगल टोटल कितना? 80। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब थोड़ी थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी साथ साथ सीखना चालू करते हैं। कैसे समझाता हूं? इस ब्लू कलर से पहली इमेज ने कितना एंगल बनाया? 20। और येलो वाली से पहली ने कितना बनाया? 40। अब समझना, ब्लू कलर से कि दूसरी इमेज ने जो एंगल बनाया येलो कलर वाली ने, सॉरी येलो कलर वाली से जो दूसरी इमेज ने एंगल बनाया वो कितना है? 80। कितना? 80। तो इस 80 को यहां लिख लो। अभी फिर सुनना, इस येलो वाले की पहली इमेज, इस येलो वाले की पहली इमेज क्या इसकी दूसरी का कारण हो? ये येलो वाली इससे कितना एंगल बना रही है? 100 100 100। कितना? 100। कितना? 20 40 40। नहीं आया? आया है ना, फील आएगी, बाकी शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी। 20 40 40 100। तो खुपा 100 कैसे बनी? ये इधर तो तुम्हें नहीं आया, भाई यहां से 100 का मतलब यहां कहीं आएगा ना? नहीं आया, आया। तो ये 100 ब्लू वाला, ये रहा ब्लू 100। ओ ये कितना? 100 100। इधर लेके तू अगर बहुत ध्यान दे, कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। आई बताऊंगा कैसे। 20 में 60 जोड़, क्योंकि देखिए पहली पहली, इसका कारण कौन है? ये। और इसका कारण कौन है? अरे यार, शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी अपने आप धीरे धीरे, और फील भी कर लेंगे अपन। मेरी बात समझ नहीं आई यार? तो भाई साहब देखिए, पहली पहली 20 40। आप सोच इसकी दूसरी किसका कारण है? पहले का। 20 में कितना जोड़ो तो 80 आया था। 60 के उनके बीच का एंगल है। किन के बीच का एंगल है? मिरर। ऐसे सोच 40 में कितना जोड़ू? अगर अपन ने सब कुछ सही करा होगा, अगर अपन ने, तो तीसरी तीसरी भी ऐसे ही बननी। देखते 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 थोड़ा टफ हो रहा है, पर कोई बात नहीं। देखिए ब्लू वाले की दूसरी इमेज, ब्लू वाले की दूसरी इमेज क्या येलो वाले की तीसरी का कारण है? नहीं आ रही, आ रही, आ रही। ये वाली इमेज क्या येलो वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगी? येलो वाले से ये कितना एंगल बना रही है? 100 प्लस 60 कितना? तो इमेज भी कितना बनाएगी? 100 100। अच्छा तो ये 90 और ये 30 कितना? 120। और उसमें फिर और 40। अरे नहीं आया, आया। तो भाई साहब ऐसे कहीं ये 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 यहां कहीं ये सर, ये टोटल एंगल कितना? 160। हाई फाइव, 3 रिफ्लेक्शन। येलो वाले पे एंगल बना 160 160 160 160। खुबा, अरे साला ये चीज तो फिर काम कर रही है। 100 में फिर जोड़ो। अरे यार क्या 160? कितना? आप सुन इधर देख ध्यान से, येलो वाले की दूसरी में, कई लोग परेशान हो गए क्या चल रहा है? फील आ जाएगी एडवांस के लिए, फील आना आवश्यक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में भी सवाल पूछ सकता है, शॉर्ट ट्रिक के पहले वाले कॉन्सेप्ट में भी वो सवाल, इसलिए आपको फील आनी चाहिए। तो अगर इसकी दूसरी इमेज, इसकी दूसरी, इसकी दूसरी, हाँ, कितना एंगल बना रही है? ब्लू से, ब्लू से, ब्लू से
ब्लू से भाई 80 और 60 तो इधर भी कितना बनेगा 100 तो 140 90 प्लस 10 100 100 प्लस अब देख ध्यान देना कौन साइड कर रही है बताता हूं कैसे सुनना 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 ये येलो से ये कितना एंगल है 60 कितना है अच्छा सोच ये पूरा 160 है ये तो ये कितना बचा 20 कितना बचा 20 अच्छा ये टोटल 30 है पर ये भी 20 है क्यों क्योंकि ये 10 है अरे भाई साहब ये 10 क्यों है क्योंकि ये टोटल 100 है अरे यार नहीं आया ठीक आप समझना सोच इस मिरर से कितना एंगल होना है 140 कितना हो रहा है 100 20 20 क्या यही आ गया ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है इस सवाल में हो हुआ कि नहीं हुआ ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी मतलब क्या इसमें पांचवी और छठी क्या एक ही जगह बन गई क्या ऐसा यहां पे भी हो रहा था इस पर्टिकुलर सवाल में भी ऐसा हो रहा है हाँ तुम्हें समझ आई बात तो इधर से अपने लिखा 80 और ये 140 पर हमने बहुत ध्यान से देखा तो ये दोनों कौन साइड अब और कि सर इसकी तीसरी इमेज इसकी तीसरी इमेज उसके लिए चौथी इमेज का कारण होना पर ऐसा हो ही नहीं सकता क्यों बताता हूं सोच मैं ये मिरर क्या चीज ये मिरर से ये वाली इमेज कितना एंगल बना रही 140 और उधर से ये बन रहा है 160 आपको नहीं लगता ये वाली इमेज येलो वाले के लिए ऑब्जेक्ट बनी नहीं सकती क्यों क्योंकि ये येलो वाले मिरर के पीछे आ गई अरे यार ये येलो वाले मिरर के इन द सेम वे ये वाली इमेज ब्लू वाले के लिए ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये ब्लू वाले के भी अच्छा पीछे कब आना चालू होगी जब ये एंगल क्या ये हम मिरर के फ्रंट फेस से एंगल ले रहे हैं तो ये एंगल अगर 180 डिग्री क्रॉस कर गया तो आप मिरर के तो इमेज बनना बंद अरे यार तो इमेज बनना बंद नहीं आया नहीं आया नहीं आया अब सोच पहले इसमें इमेज कितनी बनी 5 कितनी बनी ध्यान से 1 2 3 4 और 5 हाँ पांचवी क्या कॉन्साइड कर गई पांचवी क्या कर गई अब ध्यान सुनना अगर मुझे सवाल दिया जाता तो मैं कोई इतनी कहानी थोड़ी करता लंबी मैं शॉर्ट ट्रिक लगाता मान लीजिए आपको 60 डिग्री दिया जाता बोला जाता ये एंगल 20 डिग्री है 40 डिग्री तो मैं सवाल कैसे करता मैं हमेशा लिखता 20 और मैं जानता हूं इसमें 60-60 जोड़ना है या एंगल बिटवीन द मिरर्स 60-60 नहीं क्या जोड़ना है एंगल बिटवीन द मिरर्स जोड़ते चलो 20 में 80 40 में 100 100 में 80 में इसके आगे क्यों नहीं जा रहा हूं क्या 180 से बड़े आ गए हैं अरे ये आ गया 200 ये आ गया 200 और ये 220 क्या दोनों 180 से बड़े हैं तो इन्हें काउंट करने की जरूरत अब इमेज काउंट करो 1 2 3 1 2 3 कितनी पर आंसर तो 5 है सर जब मैं शॉर्ट ट्रिक करूंगा तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कौन साइड कर रही है या तो हमें पता है कि कौन साइड कर तो कौन साइड कब करती है उसी कंडीशन सुन सोच अगर लास्ट के दोनों एंगल लास्ट के यानी कि 140 प्लस 160 और एंगल बिटवीन द मिरर्स अगर 360 लॉजिकली भी सोच अगर इसका क्या मतलब है इस मिरर से एंगल और एंगल बिटवीन द मिरर्स अगर 360 आ जाए इसका मतलब कौन साइड और नहीं आए तो कौन साइड क्या इसमें 360 आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा अगर 360 आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस 6 है कि 6-1 6-5 जो कि पूरी फील ये है कई लोगों ने हो सकता है फॉर्मुले सुने हो 360/θ-1 माँ फर्जी फॉर्मुले हैं फर्जी हैं वो फर्जी फॉर्मुले इसलिए क्योंकि वो फ्रैक्शन में काम वो तो सिर्फ कब काम करते हैं 360/θ किसमें हो इंटीजर अगर किसी ने सुने हो तो मैं बता रहा हूं मैं भी बता दूंगा क्या पढ़ा होगा आपने पर वो एडवांस लेवल के नहीं है 360/θ-1 360/θ अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो बहुत बढ़िया बहुत सुंदर फिर तो मेरी बात सुनो ही मत पर जिन्हें पढ़ा है उनको पाठ धो रहा हूं मैं 360/θ-1 360/θ अगर किसी ने फॉर्मुले पढ़े हैं ऑड और इवन के लिए उन्हें भूल जाओ क्योंकि वो सिर्फ तब काम करते हैं जब 360/θ क्या होता है
इंटीजर, अबे वो जरूरी इंटीजर हो 360 बाई थीटा। मैं तो एंगल लूंगा 59.7, अब बोल मैं एंगल लूंगा 42, तो क्या कर लेगा तू? तो ये बेसिक ही काम करेगा, इसमें कोई गलती नहीं है। और ये करने में कोई खास समय नहीं है। अरे भाई साहब, तुझे मेरी बात समझ? इसलिए अगर किसी ने फॉर्मूले रट रखे हैं तो उन्हें मैं भी बता दूंगा कि इस केसेस के लिए ऐसे रटाए जाते हैं, तो रटने नहीं क्योंकि बहुत स्पेशल केसेस के लिए है। एडवांस में आएगा तो कुछ इसी प्रकार का। एक मिनट, तो तुम्हें फील आई? यस सर। अच्छे से एकदम? यस सर। उतारी हाँ भाई, देखिए हाँ भाई देखिए, चलो अब सवाल करते हैं, सब लोग सही करेंगे, सबको सही करना है, कुछ भी लेता हूं जो तुम्हारी इच्छा हो। मान लीजिए कि दो मिरर हैं, एंगल कितना ले लूं? 50 ले लूं? अब 40 लूं, 40 ले ले मर, एंगल कितना लूं? 15-25 ले लूं? अरे बोलो ना यार, 15-25, चलो बताओ कितनी इमेज बनेगी? मुझे भी नहीं पता आंसर, तुम्हारे सामने सवाल है, करिए सब लोग। जो तुम्हारी इच्छा हो। ये लोग तो जोड़ नहीं पा रहे ना। पच्चीस और 15 क्रॉस करना चालू करते हैं। 25 और 40 65 95 105 145 135 175 185। इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या 9 दिखाई दे रही है? Yes, क्या कौन साइड वाली कंडीशन चेक कर लेनी चाहिए? लास्ट दो इमेजेस 135 प्लस 175 प्लस 40, बोलो कितना हुआ? अरे जोड़ तो लो अब, या जोड़ने में भी तकलीफ है तुम्हें? 250 350, ये 360 के बराबर नहीं है। अगर ये 360 के बराबर नहीं है तो कौन साइड होना पॉसिबल? तो कितनी इमेज आई? 9। कितनी आई? 9। खत्म। कोई फॉर्मूला, कोई और चीज की जरूरत अपने को नहीं है। कोई कंडीशन की भी अपने को जरूरत नहीं, फटाक से आंसर आता है। फिर तुमसे नहीं हुआ ये? एक और कर लो, तुम्हें शक हुआ भाई मेरे को, गलत मत कर देना इस साल। मतलब इसमें कुछ है नहीं, ये भी टाइम पास ही करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो डिलीवर हो गया है। कितना लूं? बोलो मुस्कान आंटी, कितना एंगल लूं? बोलिए मुस्कान है तू? हाँ मुस्कान आंटी बोलिए। अरे कुछ भी क्यों, कुछ भी लेना तो ऐसे क्यों पूछता है? 60, 30, 90 90 का सवाल तो कर लिया ना बेटा अपन ने, कैसे तू बोल? 42 मैं ही ले लेता लेने 42 लिमा, मैं तुम्हें कैलकुलेशन नहीं मिल रहा। और एंगल बीच बीच के 42 मत लो, फिर लेना ही है तो तुम लो 63। जब तुम्हें प्राण निकाल निकालो, ये 63 भी मत लो तुम साले, 57। अब जोड़ते जोड़ते पागल हो जाएंगे अपन यार, कोई बात नहीं जोड़ो, मैं क्या करूँ। 30 और 27 अब मर कर बेटा। सब लोग सही करेंगे, गलत नहीं। रफ्तार तेज, 6-5 चेक कर लेना एक बार। तीस और 57 87 और 27 और 57 7-7 14
पीटी से होएं साथ सही चल रहा हूँ ना छः आ रही है क्या सत्ता में साथ साथ चौदह का लगा एक और ये कितना हुआ 141 हुआ ना उल्टा लिख दिया इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं यार नहीं आया छः दिख रहा है जोड़ के देख लें 144 141 और 57 जोड़े चार एक पाँच पाँच और सात बारह बारह का लगा एक पाँच और पाँच दस दस और क्या हुआ अरे जोड़ने तो दे पाँच पाँच दस चार चौदह चौदह लगा एक 342 क्या मेरी बात एकदम क्लियर है ये 360 के बराबर नहीं मतलब लास्ट वाली कौन साइड जो फॉर्मूले लगा रहे थे ना उन सब में फेल हो जाएंगे इसलिए कह रहा हूँ आपको बेसिक आना कुछ भी एंगल हो कोई भी एंगल ले ले कोई भी डेटा ले ले जो तेरी इच्छा हो मेरे लिए कोई खास बात नहीं है मुझे पता है सवाल होना है पहले था जो मैं बोला चमका कितने लोगों ने सही सोच लिया है क्या सब लोग कर सकते हैं हम अगर क्या आपको सर्कल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है क्या आपसे नंबर ऑफ इमेजेस पूछ रहे कोई भी एंगल हो अपने को फालतू शॉर्ट ट्रिक में घुसने की जरूरत आपको शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ पर वो हमेशा काम करती कुछ पर्टिकुलर केसेस में वो काम करती है ना आई भी यही से ही है इसलिए आप याद भी रखनी है थोड़ा सा ऐसे कहीं पढ़ो तो ये नहीं लगे हमें ये पढ़ाया ही नहीं बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ बाकी बेसिक और 100% श्योरिटी वाले तो यही मेथड है गॉट माय पॉइंट वो क्या है सुने देखो शॉर्ट ट्रिक फॉर पर्टिकुलर केसेस कैसे मैं बताता हूँ अगर ऐसे बोला जाता है कि अगर 360 बाई थीटा इज वॉट एंगल बिटवीन द मिरर्स इफ 360 बाई थीटा इज एन इंटीजर पहली बात ये कोई जरूरी बात हो ये जरूरी नहीं इसी शॉर्ट ट्रिक तभी लगेगी जब ये होगा इसे मैंने सिर्फ ये नहीं सिखाया है आपको बेसिक सिखाया है अरे भाई 360 बाई थीटा अगर इंटीजर हो जैसे कि नॉर्मल जेई मेन में तो भी नहीं आएगा ऐसे नीट वीट में ज्यादातर ऐसे आते हैं तो मान ली तो इसी तरीके का आएगा अगर आएगा तो पर फिर भी अभी वो थोड़ा आना चाहिए 360 बाई थीटा का एक इंटीजर है क्या है इंटीजर अब उसके दो केस कैसे मैं बताता हूं तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला लिखा जाता है 360 बाई थीटा माइनस वन इफ ध्यान सुनना इफ 360 बाई थीटा इज एन इवन नंबर इज एन सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक इसका एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं 90 डिग्री लो कितना लो 90 डिग्री 360 बाई थीटा चार क्या इंटीजर आया अब बोल इवन ऑड इवन नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी थी तो चार माइनस एक क्या आंसर आ रहा है अच्छा सोच उसमें ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा हो या अनसिमेट्रिक रखा हो इमेज कितनी थी अभी ओपन करा कितनी थी इसलिए बोला गया कि 360 बाई थीटा माइनस वन फॉर्मूला लगाया जा सकता है फिर मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला नहीं रटाना है और अगर इस क्लास में भी कोई बोलता नहीं तो मैं कराता भी नहीं सिर्फ इसलिए कि तुम इसलिए बता रहा हूँ कि तुमने कहीं पढ़ाओ तो उसे सिर्फ दिमाग में रख लो ये ज्यादा काम आने वाला ये सिर्फ बहुत पर्टिकुलर केसेस के लिए काम आता है रियलिटी तो वो है जो हमने पढ़ी इसलिए उसी पे स्टिक करो आप सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको कोई देख ले कोई पूछो ऐसा भी नहीं पढ़ा क्या तो है बस और किसी लिए नहीं है बाकी काम की बात तो वही है वो करने में कितना सा टाइम लग रहा है यार अरे यार इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे उसमें तो 360 बाई थीटा माइनस 360 बाई थीटा अगर इवन है क्या है तो चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो चाहे ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिक हो यही फॉर्मूला आएगा ये फॉर्मूला तब भी लगता है जब इफ 360 बाई थीटा इज एन ऑड नंबर एंड ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड एंड ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड मतलब जैसे मैं आपको बोलूं हाँ मान लो एंगल ले लो 120 कितना ले लो 120. तो 360 बाई 120 तीन इवन ऑड ऑड अब मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे एंगल के बीच में रखा है जो ऑड आया क्या आया odd. और सिमेट्रिकली भी रखा है सिमेट्रिकली मतलब एंगल बाई सेक्टर पे सिमेट्रिकल मतलब तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 360 बाई थीटा माइनस वन यानी कि तीन माइनस एक कितनी दो. कितनी दो अगर नंबर ऑफ इमेजेस सिर्फ 360 बाई थीटा रहती है अगर ऑब्जेक्ट इफ 360 बाई थीटा इज एन ऑड नंबर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
अनसिमेट्रिक। मान लीजिए थीटा है 120, कितना है 120. और लिखा 360 बाई 120, 360 बाई 3, पर ऑब्जेक्ट रखा है अनसिमेट्रिकली, कैसे रखा है अनसिमेट्रिकली, तो नंबर ऑफ इमेज इतनी बनेगी 3, पर अगर सिमेट्रिकली रखा है तो no. क्या तुम शॉर्ट ट्रिक सुन के कंफ्यूज हो गए? No, फिर कह रहा कंफ्यूज मत हो ना, रियलिटी वही है। ये सिर्फ तब काम करता है जब ये क्या आता है, इंटीजर। मान लीजिए मैं आपको एंगल दे दूं 43 डिग्री, तो ये काम 360 बाई थीटा का मल्टीपल हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, तो फिर नॉर्मल तरीके से यही काम करना है। और ये तो हमेशा इसमें काम करना ही है, किताबों में कई बार ये लिखा देते हैं और सोचते हैं यही सब कुछ है, यही सब कुछ नहीं है, एडवांस में ये सब कुछ है। गॉट माय पॉइंट? बारहवीं के स्तर तक ठीक है, आपका इससे काम चल सकता है, इसके बाद इसके चलने वाला, और एडवांस में मान के चलो अगर सवाल आया तो इसी पे आएगा, सर्कल कॉन्सेप्ट पे, इस पे नहीं आएगा। पर फिर भी आपने पढ़ा हो या कहीं सुना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्या बात पिक्चर क्लियर है? नहीं आया, उतार लीजिए, उतार लीजिए, ध्यान सुन, डाउट बिल्कुल ठीक है। 180 भी अगर आ जाए तो उसे कंसीडर नहीं करना है। 180 पर, 180 का क्या मतलब है, मिरर ये बिल्कुल यहां रखें तो उसकी इमेज, गॉट माय पॉइंट? तो 180 उसने सही बात पूछी है कि सर एग्जैक्टली 180 आ जाए करते करते तो कंसीडर करना है कि नहीं करना? नहीं करना। लॉजिकली भी सोच, अगर बिल्कुल मिरर ऐसा रखा है, अगर बिल्कुल मिरर और बिल्कुल उसकी इधर इमेज रख दे, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट रख दे, तो उसकी इमेज बनती पक्का 110%, और कराऊं कि कॉन्फिडेंस आ गया है। ये आज वाला सेगमेंट प्लेन मिरर का सबसे टफ सेगमेंट कहलाता है, समझने के परस्पेक्टिव से। पर अगर समझ आ जाए तो कोई खास बात नहीं है, मस्त समझ में आता है एकदम, बिल्कुल शानदार तरीके से। गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका लास्ट सेगमेंट। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, फील्ड ऑफ व्यू पढ़ा दी, वेलोसिटी पढ़ा दी, मैंने आपको इमेज प्लॉटिंग पढ़ा दी, ये पैरेलल प्लेन मिरर्स पढ़ा दिया, मैंने आपको ये एंगल बिटवीन द मिरर्स पढ़ा दिया। नेक्स्ट लास्ट एक वेक्टर वाला सेगमेंट है, चाहो तो आप मैथ्स में वेक्टर में भी पढ़ सकते हो, पर मैं पढ़ा देता हूं आपको। लिखो वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये मैथ्स है बेसिकली, सुन लें इसको, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इस पे ज्यादा पैपे नहीं करता हूं, फॉर्मूला बताता हूं, हालांकि मैथ्स का पार्ट है, सुने। मैथ्स में एक चैप्टर आता है ना आपके वेक्टर, तब भी आप ऐसी बातें करोगे। एक्चुअली कभी कभी ऐसा सवाल आता है, ऐसे आता है, मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि ऐसे आता है कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, क्या है इंसिडेंट रे, ऐसे ठीक, ऐसे आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका नॉर्मल है, बोलो क्लियर है। इस इंसिडेंट रे के यूनिट वेक्टर को ए कैप बोलते हैं, इसे बी कैप बोलते हैं और इसे कई बार सवालों में ऐसा होता है कि आपको ए कैप गिवन होता है, एन कैप गिवन होता है, क्या गिवन होता है? पहले तो एन कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। कैप का मतलब सब लोग समझते हैं? क्या यूनिट वेक्टर सब लोग समझते हैं? क्या यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है? इसका मतलब यह है कि अगर आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन दे रखी हो, नॉर्मल का डायरेक्शन दे रखा हो, तो आपको रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन निकालना आना, यह सवाल है बेसिकली। ऐसा समझो कि आपको ए कैप एंड एन कैप गिवन है और आपको बी कैप निकालना है, यह सवाल है। व्हाट इज ए कैप? ए कैप इज यूनिट वेक्टर, कौन सा वेक्टर? मैथ्स का सवाल, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, अलोंग आवाज यही हाना बोल यार। ऐसे ही बी कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। अब सोच अगर मुझे ये दोनों दे रखे हैं, ये और ये, तो मुझे इनकी टर्म्स में निकालना आना, थोड़ा सा वेक्टर यूज दे रहा हूं, थोड़ा सा बेसिक वेक्टर समझिए पहले अच्छे से। क्या सब लोग जानते हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी डॉट कॉस थीटा? बेसिक बेसिक सी बात, ठीक, सुन ले पहले अच्छे से, उतार लेना कोई जल्दबाजी नहीं। कई चीजें मैं रिपीट नहीं करता, पैसे ले लेता हूं। इधर सुन ध्यान से, सोच अगर मैं बहुत ध्यान देखूं तो ऐसे आपका ये है, ये आपका नॉर्मल है, समझना अच्छे से, ये आपका बी कैप है, ये आपका बी कैप, और ऐसे बनाए तो ये माइनस ए कैप है, क्योंकि ए कैप तो ऐसे था, ये क्या है? माइनस ए कैप। अच्छा मैं ये जानता हूं कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब ध्यान समझना, इस बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? वन। इसका कितना है? वन। मैग्नीट्यूड तो वन ही है, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो, अगर आप ध्यान तो वन वन वेक्टर वाले ऐसे थीटा थीटा एंगल पे जोड़ो तो इनके साइन थीटा वाले कट जाएंगे और कॉस थीटा वाले, आपको नहीं लगता उस वेक्टर का डायरेक्शन एन कैप ही होगा? अगर मैं आपसे बात करूं, मैं इन दोनों वेक्टर को जोड़ू, किसको? बी कैप और
एक ऐप को जोड़ने का मतलब माइनस है ना yes, यार आवाज नहीं आई यार yes, मुझे इतनी सी बात बताओ, पहले इसकी डायरेक्शन किधर होगी? एन कैप। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ये मानते हो सब लोग yes, अच्छा अगर मैं बोलूं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो ध्यान से देख क्या होगा, वन कॉस थीटा, वन कॉस थीटा क्या टू कॉस थीटा yes, यार बेकार रेस्पॉन्स यार yes, वन इधर cos theta क्या टू cos theta yes, जो b cap माइनस a cap वेक्टर है क्या उसका मैग्नीट्यूड टू cos theta है yes, बिल्कुल है भाई साहब, तो मैग्नीट्यूड टू cos theta और डायरेक्शन किधर है n cap। तो अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन भी पता हो और मैग्नीट्यूड भी पता हो और डायरेक्शन क्या कैप में दी हुई हो तो क्या उस वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है b cap माइनस a cap इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन दैट इज n cap। तुम्हें ये बात समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? अब cos theta को सुन, अगर आप बहुत ध्यान से देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, इन दोनों का क्या ले लो, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो इसका a कैप और n कैप का माइनस a कैप और सॉरी b कैप पर माइनस a कैप और अगर डॉट प्रोडक्ट लो तो क्या लोगे, माइनस a कैप डॉट n कैप नहीं आया इक्वल्स टू a कैप का मैग्नीट्यूड 1 n कैप का सोच लो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इनटू cos, क्या बात समझ आई? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया? क्या cos थीटा की वैल्यू माइनस a कैप डॉट n कैप है? क्या है माइनस a कैप डॉट? तो कैसे लिखा गया, b कैप इज इक्वल्स टू a कैप माइनस टू टाइम्स a कैप डॉट n कैप इनटू n कैप। डराने के लिए किताबों में फॉर्मूला लिखाया जाता है, जो अगर आपको याद रहे तो कोई बुराई, प्रूफ ये है। हालांकि इसके ज्यादा फिजिक्स में आने के चांसेस पर अगर आ जाए तो हमें आना चाहिए। एक मिनट, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? अच्छा समझ आई, उतार ले और याद कर ले। b कैप इक्वल्स टू a कैप माइनस टू टाइम्स a कैप डॉट n कैप n कैप। प्लेन मिरर समझ आया, सन्नाटे में हो? समझ आया क्या है ना? तो एक तो अब आप शीट दो, एक तो मेरे को शीट है सबके पास, और शीट दीजिए मेरे को, शीट में बिल्कुल सेगमेंट वाइज डिवाइडेड है सब कुछ, तो आप एक्सरसाइज 1, 2, 3 का प्लेन मिरर खत्म कर सकते हो। सो द होमवर्क इज, ज्यादा मेरे को बताने की जरूरत नहीं, प्लेन मिरर अलग है बिल्कुल, प्लेन मिरर बिल्कुल अलग सेगमेंट है। तो एक्सरसाइज 1 में 9 सवाल है, एक्सरसाइज 2 में नहीं कितने हैं, एक्सरसाइज 1 में 12 सवाल हैं, एक्सरसाइज 2 में 9 सवाल हैं, और एक्सरसाइज 2 के लेवल 1 में 5 सवाल कुछ 5 हैं, और एक्सरसाइज आ गया जो भी ये प्लेन मिरर के एक्सरसाइज 1, 2, 3 में जितने सवाल हैं क्या कर सकते हो डिस्कस yes, करेंगे। बोलो क्लियर है? डिस्कस yes, करेंगे अगले टाइम, करके आ सकते हैं सब लोग yes, 25-30 सवाल है, और 25-30 सवाल की मैंने एक सीपीएस बनवा दी है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, या तो टेस्ट के फॉर्मेट में हो जाएगी या हो जाएगी, और अगले टाइम से अपन स्टार्ट करेंगे। क्या चीज yes, क्या सब लोग अगले टाइम काम करके आएंगे yes, काम करने का तरीका, आपके पास शीटों के रजिस्टर होने चाहिए जो ढंग से मेंटेन होने, गॉट माय पॉइंट? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? चलिए।